अच्छा मुझे ये बताओ, उस दिन तुम कह रही थी कि तुमने बेबी के कुछ नाम सोचे, मुझे भी बताओ ना। अभी नहीं, ह्यूस्टन जाके। अच्छा चलो फिर ठीक, बेबी के मैंने भी नाम सोचे और मैं तुम्हें नहीं बताऊं। इसमें इतने नाराज होने की कौन सी बात है? अच्छा पहले आप मुझे ये तो बताएं, आपको क्या लगता है, बेटा होगा या फिर बेटी? दैट्स अ टफ वन। इतना मुश्किल क्या है इसमें, कैसी तो करना है, जल्दी से बताएं, बेटा या फिर बेटी? मुझे लगता है बेटा होगा। और तुम्हारा दिल क्या कहता है? Help my wife, please. Yes. Help my wife. रोमी बेटा, काम मिल नहीं आया? नहीं बाबा, कब से उन्हें फोन कर रही हूँ मैं। कुछ देर पहले बात हुई थी तो कहा था कि आधे घंटे तक आ जाऊंगा, अब कब से वेट ही कर रही हूँ मैं। अरे बेटा, ऑफिस के काम में फंस गया होगा। बाबा कामिल है ऐसे, हर बार ऐसा करते हैं, लेट लतीफ। कहा भी था डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है मेरी, फिर भी। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले जाता हूँ हॉस्पिटल। कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, क्या पता आ जाए। अच्छा ठीक है, उस वक्त तक मैं तुम्हारी माँ के साथ गरम गरम चाय पी लेता हूँ। ठीक है बाबा। अच्छा वो अपना शाजी का क्या हुआ, सेलेक्ट हुई कि नहीं? नहीं बाबा, मेरी कोई बात नहीं हुई, फोन करके पूछूंगी उससे। और वो रूहान कहाँ है, कई दिनों से बात नहीं हुई उससे भी? हाँ बाबा, रूहान से भी कोई बात नहीं हुई है मेरी। पिछले दिनों अपना बिजनेस सेटल करने के लिए अमेरिका शिफ्ट होने वाला था वो, लेकिन अब कहाँ है, आई हैव नो आइडिया। अच्छा चलो ठीक है। बहुत गलत हो गया ये, अब क्या होगा? वो दोनों बच पाएंगे या नहीं, अगर वो मर गए तो? इस एक्सीडेंट का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना जीते जी मर जाऊंगा मैं। Thank you.
मैं ठीक हूँ शाजिया, तुम बताओ कैसी हो? मैंने तो बस अब आराम ही करना है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी सिलेक्शन का क्या बना? अरे वही बताने के लिए तो फोन किया है, रूमी मेरा सिलेक्शन हो गया है। What? ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ शाजिया। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। थैंक यू सो मच, मगर यार तुम्हारे बगैर मेरी हर खुशी अधूरी है। कितना अच्छा होता कि तुम भी मेरे साथ सेलेक्ट हो जाती। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो किस्मत का खेल है, शायद मेरे नसीब में यहीं तक लिखा था। यू नो व्हाट, कोच ने तो नवेरा के खिलाफ बहुत सख्त कंप्लेन की थी, लेकिन वो फिर भी सिफारिश की बुनियाद पर सेलेक्ट हो गई। छोड़ो उसे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम बस अपना ख्याल रखना और हाँ उससे बच के रहना। डोंट वरी, उसका तो मैं वो हाल करूंगी कि याद रखेगी। और तुम परेशान मत हो, कुछ महीनों बाद दोबारा ट्रायल्स होंगे और तुम। हाँ मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। सुने रूमी ठीक तो हो जाएगी ना शादी तक? एक ही बात कितनी बार पूछोगे? अरे रूमी स्पोर्ट्स वूमन है, जल्द सेहत याब हो जाएगी, टेंशन मत लो। क्या करूं, परेशानी हो रही है ना। अरे तुम बाहर क्यों आ गई, मुझे बुला लिया होता। मम्मी क्या हो गया, अब इतनी भी चोट नहीं लगी कि मैं चल फिर ना सकूं। लेकिन बेटा डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया है ना, आराम करने को कहा है। अरे अकेले बैठे बैठे इंसान ज्यादा बीमार हो जाता है, और रूमी तो मेरी शेर बच्ची है शेर। तुमने डॉक्टर के पास जाना था ना आज? हाँ मैं तो बिल्कुल बताने ही भूल गई, पता नहीं कामिल फोन नहीं उठा रहे। अब देखें टाइम क्या हो गया है। बाबा मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, बस आप रहने दो उसे, मेरे साथ चलेंगे हॉस्पिटल। अरे मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था, चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम आ जाओ। जी चाय तो पी लेते। अरे आके पी लूंगा। कामिल फोन नहीं उठा रहा, ऐसी क्या बात हो गई? जी सुंदस बाजी। अरे कामिल तुम कहाँ हो, पहुँचे क्यों नहीं अभी तक यहाँ? जी बाजी मैं कुछ बिजी हो गया था, रूमी को कहीं मैं आ रहा हूँ, बस रास्ते में हूँ। अब कोई फायदा नहीं है कामिल, रूमी चली गई है अंकल के साथ। चलिए अच्छा 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 बाजी मैं फोन रखता हूँ बाद में बात। अरे कामिल मेरी बात बात तो सुन लो, पहले फोन काट दिया इसने। क्या मसला क्या है? बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। अल्लाह ताला इन दोनों को लंबी जिंदगी दे। आमीन। ठीक है मम्मी, मैंने रिपोर्ट्स वगैरह सब आपके देख लिए हैं, बस आप मेडिसिन खा दें। जी डॉक्टर साहब, बस मेरी इस बैंडेज से जान छुपा दें, बहुत उलझन होती है मुझे। बैंडी से तो एक हफ्ते और मजीद जानने छूटने वाली। हाँ इसके बाद मैं जरूर कहूंगी कि इंशाल्लाह आप क्रिकेट खेलने लगेंगे। दरअसल डॉक्टर साहब महीने बाद इसकी शादी की तारीख फिक्स हो गई है। ओह गॉड,
मुबारक हो। क्या है बाबा, आप आइएगा ना सुशा। भाई साहब गाड़ी चेक करनी है। लाइट बंद करे जरा। लगता है बहुत गंदा एक्सीडेंट कर रहा है साहब। नहीं नहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो गलती से स्ट्रीट पोल के साथ गाड़ी टकरा गई थी, शुक्र है बचत हो गई। अच्छा बताओ कितने पैसे लोगे और कब तक ठीक हो जाएगा? दूसरे दिन ले जाइएगा, बहुत काम है, 20,000 रुपए दे दीजिएगा। 20,000? अरे साहब गाड़ी की हालत तो देखें, पता नहीं कितने लोगों को ठोक कर आए आप। अरे 20,000 बुरे हैं क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम, किसी को ठोक के नहीं आ रहा, कहा ना मैंने। अरे साहब भड़क क्यों रहे हैं, पैसे दे दें पहले जैसी चकाचक कर दूंगा। 20,000 तो नहीं दूंगा। लड़की की हार्ट बीट बहुत कम हो रही है और वो प्रेग्नेंट भी है, डॉक्टर रेहाना को एंगेज करें जल्दी। जी क्या पोजीशन है उस मेल पेशेंट की? इट्स वेरी क्रिटिकल, डॉक्टर नजीर ऑपरेट कर रहे हैं। कोई इत्तला मिली कि वो दोनों कौन है, कहीं हस्बैंड वाइफ तो नहीं? यू आर राइट सर, उनके मोबाइल फोन और पासपोर्ट वगैरह मिले, पुलिस को भी इत्तला कर दी है। उनकी फैमिली को भी इत्तला कर दें कि उन दोनों की हालत बहुत सीरियस है। जी डॉक्टर। चाय बनाओ मेरे लिए, जाके मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अभी लाए। ये लो, ये तुम पी लो। नहीं बाबा आप ये पी लिया। कहाँ का नंबर? हेलो जी बोल रही हूँ। हाँ मगर वो दोनों तो क्या हुआ माँ, किसकी कॉल थी? रोहन और सभा का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना अंजुम भाई पिज्जा नहीं ला के दे रहे, आप जाके ले आए। जाने की क्या जरूरत है, ऑर्डर कर लेते हैं ना। मतलब आप पैसे दे रहे हैं, मैं जाके ऑर्डर कर दूं? हां हां पैसे ले लो, ऑर्डर कर लो। यस भाई। हां ये आपकी गाड़ी को क्या हुआ है? लगता है बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है आपका। पागल हो गया एक्सीडेंट? हां ये तो मेरा दोस्त गाड़ी मार गया है, देखो क्या आश्चर्य किया उसने। वाह भाई जब हम मांगते हैं गाड़ी घूमने के लिए तब तो आप हमें गाड़ी नहीं देते, और दोस्तों पर इतनी मेहरबानी। करना पड़ता है ना, तुम भी समझोगे, जाके ऑर्डर करो। बस अभी करती हूँ। अच्छा सुनो। जी अंदर किसी को ये बात ना बताना। कौन सी बात? एक्सीडेंट वाली। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ
उनकी कंडीशन इतनी सीरियस थी कि हम कुछ नहीं कर पाए। हाँ, मगर हमने सभा की बेटी को बचा लिया है। बेटी? जी, ये प्रेग्नेंट थी, क्या आपको नहीं मालूम था? मालूम था। क्या इसकी बेटी बच गई? जी, बच्ची की डिलीवरी तक इनकी सांसें चलती रही, उसके बाद सभा एक्सपायर हो गई है। मगर अभी वो कामों में। डॉक्टर साहब, कुछ भी करके इसको होश में लेके आए, मेरा एक ही बेटा है, आप कुछ भी करें इसको ठीक कर दे। हौसला रखिए आप, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको होश में लाने की, आप बस दुआ कीजिए। नर्स, आप इन्हें बाहर। Help my wife, please. जी कहिए, किससे बात करनी है आपको? रूमी, आई नो तुम मुझसे खफा हो गई, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे एक काम पड़ गया था, बस आ नहीं सका मैं। पता है कितना इंतजार किया आपका, सब बाबर ये पूछ रहे थे कि कामिल कहाँ है, कामिल कहाँ है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं बाबा के साथ डॉक्टर के पास चली गई, आपके आश्रय में रहती तो काम हो जाता मेरा। वो डॉक्टर के पास से हो आई हो ना तुम, प्लीज अब तो नाराजगी छोड़ दो। आहा, ऐसे नहीं, जुर्माना भरना पड़ेगा आपको। अच्छा बाबा, ले लेना जुर्माना। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा है, कब तक ठीक हो जाओगे तुम? इंशाल्लाह बहुत जल्द। बाय द वे, आप शादी की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। थैंक गॉड, पता है बहुत परेशानी हो रही थी मुझे। ऐसे ही कह रहे ना? नहीं। अच्छा ये बताओ, रुहान आजकल कहाँ है? रुहान? नो आइडिया, काफी दिन हो गए, बात नहीं हुई मेरी, क्यों, सब खैर? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा चलो, बाद में बात होगी। ओके ओके, बाय। कामिल भाई, ये ले पिज्जा खाएं, मैंने आपके लिए थोड़ा सा बचा लिया था। मुझे अभी भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खा ले, बहुत मजे का है। अच्छा यहाँ रख दो, बाद में खा लूंगा। जोया, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, मेरे को है ना कोई मेडिसिन दे दे। ठीक है। वो देख रही है सामने छोटी सी बच्ची, वही रोहान की बेटी है। माशाल्लाह बहुत सेहतमंद और खूबसूरत है, अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए। माँ बेचारी तो इतनी जख्मी थी कि बच ना सकी, मगर उनको अपनी बेटी से इतना प्यार था कि
जब तक ये पैदा ना हो गई वो सांसें लेती रही। आप इसकी दादी है ना जी? जी। कैसी अजीब बात है ना, एक तरफ दादी बनने की खुशी तो दूसरी तरफ बहू के मरने का गम। ये भी किस्मत का खेल है, इंसान बेचारा तो कठपुतली है। आप सब्र से काम लीजिएगा। हाँ बोलो सलीम। ये रोहान का फोन क्यों बंद आ रहा है? रूमी बेटा सोई नहीं अभी तक? नहीं बिल्कुल नींद नहीं आ रही। दवा ले ली थी तुम बेटा? जी अम्मी, लेकिन नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी। क्यों बेटा? पता नहीं, बस दिल बहुत घबरा रहा है मेरा। क्यों घबरा रहा है मेरी जान? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस मैं चाह रही हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाऊं। इस वक्त तो मुनासिब नहीं बेटा। एक तो तुम्हारी कंडीशन ऐसी है, रात के 11 बज रहे हैं। तुम ऐसा करो, सुबह अपने बाबा के साथ वॉक पे चली जाना। डॉक्टर की बात सुन के दिल को बहुत तसल्ली हुई है। डॉक्टर ने कहा है तुम ठीक हो जाओगी शादी से पहले। बाबा बहुत खुश थे सुन के। और नहीं तो क्या, तुम में तो जान अटकी हुई है उनकी। अच्छा मेरी जान, तुम सोने की कोशिश करो और अगर किसी चीज की जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना सेल पे। जी क्या सोच रही हो जीना? यही ना कि अपनी पोती को अपने हाथों में लेकर तुम्हें कोई खुशी नहीं मिली। सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बच्ची में उस लड़की का खून है जिसे तुमने कभी बहुत असली नहीं किया। मगर सबा बड़ी शातिर निकली है, तुमसे बदला लेने के लिए खुद तो चली गई लेकिन तुम्हारे हाथों में ये बच्ची दे गई। अब क्या करोगे तुम? नहीं, कुदरत ने इस एक्सीडेंट से मेरी मदद कर दी है, मेरी मुश्किल आसान हो गई। सभा तुम मर गई लेकिन मेरे बेटे को आजाद करके अब मेरा बेटा मेरे पास वापस आ जाएगा। वो तुम्हारा बेटा बाद में होगा, पहले इस बच्ची के बाप के फराइज पूरे करेगा। इस बच्ची की खातिर वो कभी शादी नहीं करेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। किस्मत में तो यही लिखा है, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की किस्मत उसके हाथों में होती है। तुम चाहो तो अपनी किस्मत बदल सकती हो। कैसे? तुम्हें इस बच्ची से छुटकारा पाना होगा वरना तुम्हारा बेटा तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा।
मगर सलीम मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? एडवांस सैलरी भी ले ली है मैंने, अब उधार लूं भी तो किससे? मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी बहनों की शादी करनी है, मगर मैं मजीद इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? क्या? नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं कोई बंदोबस्त करती हूँ। खुदा के वास्ते मेरे बच्चों को मुझसे मत छीनना। सलीम, सलीम, मुझे बुलाया मैडम। क्या नाम है तुम्हारा? जी माजबीन। किससे बात कर रही थी फोन पर? मैंने सब सुन लिया, तुम्हारे शौहर को पैसों की जरूरत है, अपनी बहन की शादी करनी है उसने, और वो तुम पर प्रेशर डाल रहा है कि पैसों का इंतजाम करो, वरना वो हमेशा के लिए तुम्हारे बच्चे तुमसे छीन लेगा। ये बात थी ना? जी मैडम, मेरा शौहर बहुत तशद्दुद करता है मुझ पर, खुद तो कुछ कमाता नहीं, उल्टा मैं जो कुछ कमाती हूँ वो सब जुए शराब पे लुटा देता है, और अब बहनों का रिश्ता तय हुआ है तो मुझे कहता है कि मैं कहीं से भी पैसे लाऊं। अब आप ही बताइए मैडम, मैं गरीब औरत किसके आगे हाथ फैलाऊं? तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। 20 लाख का चेक आज ही तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। 20 लाख रुपए? मेरे ख्याल में काफी पैसे हैं, तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी। इन पैसों से चाहे तुम अपनी नंदों की शादियां करो या शोहर से ही हमेशा के लिए छुटकारा पालो और अपने बच्चों को खुद पालो, सारी उम्र ऐश करोगे। सोच लो और मुझे बताओ क्या तुम मेरा काम करोगे? मगर मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी मैडम। तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ इस बच्ची की पैदाइश का रिकॉर्ड इस हॉस्पिटल से हमेशा हमेशा के लिए गायब करना होगा। क्या? हाँ, और उसकी जगह ये लिखना होगा कि बच्ची मर गई थी, और जब मेरा बेटा होश में आए तो उसे भी यही कहना कि बच्ची माँ के साथ मर गई है, और ये राज हमेशा के लिए अपने सीने में दफन करना। बताओ करोगी मेरा काम? अच्छी तरह से सोच के जवाब देना, क्योंकि इसमें तुम्हारी सारी परेशानियों का हल मौजूद है। मगर आप इस बच्ची का क्या करेंगी मैडम? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। Thank you.
ये इस बच्चे की फाइल है मैडम, बाकी इसका रिकॉर्ड तब्दील करवा कर इसे मुर्दा करार दे दिया जाएगा। मैं संभाल लूंगी सर। और वो डॉक्टर आ गए, उन्हें पता नहीं चलेगा? नहीं मैडम, उनकी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है और कल से वो छुट्टी पर जा रहे हैं, उन्हें कोई खबर नहीं होगी। मगर आपको एक वादा करना होगा कि आप इस बच्ची को जान से नहीं मारेंगी। खुदा के वास्ते ऐसा कोई गुनाह मत कीजिएगा। मैं इतनी भी समझ नहीं। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर इस बात का जिक्र तुमने किसी से भी किया तो मैं तुम्हें पाताल से ढूंढकर तुम्हारा वो हशर करूंगी कि सारी उम्र याद रखूंगी। आप बेफिक्र रहे मैडम, माँ जब ही नीरज अपने साथ कब्र में ही ले जाएगी।
रुक जाओ जीनत। मासूम बच्ची तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारी पोती है ये। नहीं, ये मेरा खून नहीं है, ये उस सपा का खून है, वो लड़की जिसने मेरे बेटे को मुझसे छीना था। मेरा और रोहान का इस बच्ची से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं जीनत, ऐसा मत करो। रुको जीनत, रुको।